सोलन में सत्य साईं बाबा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर साईं भक्तों द्वारा विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ उपायुक्त राकेश कंवर ने किया। शोभा यात्रा साईं संजीवनी अस्पताल से शुरू होकर माल रोड होते हुए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के समीप संपन्न हुई। शोभा यात्रा में झांकियों के माध्यम से भगवान रामचंद्र के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया। शोभा यात्रा में साईं को देख ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात साईं सोलन की धरती पर पहुंचे हों और सोलन की जनता साईं के दर्शन पाकर खुद को भाग्यशाली समझ रहे थे। सोलन शिमला सिरमौर से हजारों की संख्या में भक्तों ने साईं के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। साईं भगत डॉक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि साईं बाबा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर साईं भक्तों द्वारा विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि सभी को बाबा के बताए सत्य धर्म प्रेम और अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए और आपसी भाईचारे और प्रेम का संदेश देना चाहिए। आज भगवान श्री सत्य साई बाबा जी के 92वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज पूरा सोलन जो है वो साईमय हो गया है। अब तक देख ही रहे हैं सिरमौर से, किन्नौर से, शिमला से, चंडीगढ़ से, मोहाली से और सराउंडिंग पूरे एरिया से जो है भक्त उमड़ कर सोलन में पहुंच चुके हैं और आज बहुत ही एक शोभावान पूरी शोभा के साथ भगवान बाबा की आज पालकी जो हम देख रहे हैं पीछे वो निकाली जा रही है। पूरे विश्व भर में आज पालकी का उत्सव मनाया जा रहा है और पुण्यवर्ती शहर जो भगवान संदेश देते हैं सत्य धर्म शांति प्रेम और अहिंसा उन्हीं मानवीय मूल्यों के साथ चलते हुए आज बाल विकास के बच्चों ने भी बहुत ही भव्य कार्यक्रम यहाँ पर पेश कर रहे हैं।